भास्कर, आप निशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में कैबिनेट द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों में वैट की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से बिहार में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में 2 रुपए 2 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इस मूल्य वृद्धि को आम लोगों ने अपने ऊपर बोझ बताया। वहीं सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से राजस्व वसूली में 88% की गिरावट आई है। इस वजह से सरकार चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट बढ़ाना पड़ा है। ऐसे भी आदमी मर रहा है और ऊपर से और मर रहा है और इससे ज़्यादा कुछ कहीं नहीं जा सकता है। नीतीश साहब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एक सैलरी में दिक्कत, ऊपर से कटौती हर चीज़ में हो रही है और इधर से ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो मरना तो है ही है। मतलब हर हाल में मुसीबत जनता को मरना ही है, मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा मरना है। कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ा है हमारे यूज़ का है तो ठीक है, अदरवाइज अभी आप ये करके देखिए कंजम्पशन भी तो पेट्रोल का कम हो गया है क्योंकि लोग निकल नहीं रहे हैं, और जो लोग निकल रहे हैं अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो किसी तरीके से गवर्नमेंट फंड में पैसे जाएंगे कैसे, कुछ तो उनको भी चाहिए ना, तभी तो खर्च करेंगे देश में स्टेट में जो भी हमारे हित में होगा। तो यही है, अच्छा है पेट्रोल का दाम 1-2 रुपये बढ़ा, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यूजेज पर डिपेंड करता है। बिना मतलब के लोग अगर निकल रहे हैं और पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं तो गलत है। प्लेन दीजिएगा। हाँ प्लेन है भाई, बोले ना आप। सब कलो में कर दीजिएगा, कलो दीजिएगा, जीरो देख लीजिए आप। इतनी का लगे कलो की जो मैं लगा रहा है। अरे आप कलो कर दीजिए ना हाथ से। वो है देखिए ना, हाथ से लोग करता हूँ, हाथ से दे भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं देखिए धीरे धीरे दे रहा है। हाँ हम उतना धीरे धीरे थोड़े पड़ता है। ठीक है इतना दीजिए ना, तो कलो पाँच के जी से बोलता हूँ। तो कोरोना काल के बीच एक फिर से आम लोगों को झटका लगा है क्योंकि सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के जो दामें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है और इस तरह पेट्रोल 2 रुपया महंगा हो गया। फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।